लेकिन इस बीच सुजाता जी से एक रिएक्शन यहाँ पर लेते हैं हम। सुजाता जी, आप तो मुझे ये बताइए, क्यों ना माना जाए शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे ना करके बीजेपी ने खेला है मास्टर स्ट्रोक, वो फटीक फैक्टर, एक उकताहट जो वोटर के मन में आ गई थी शायद बीजेपी के इतने लंबे राज को लेकर, उसको भी काउंटर कर लिया और पार्टी के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति बन गई। सुजाता जी, इस पूरी बात में ही विरोधाभास है। कैसे? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी को जिस तरह से नकारा गया है भाजपा के द्वारा, ये सबने देखा है, क्योंकि सांसदों को, मंत्रियों को, सबको उतारा गया है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी बहुत खास पसंद है, वो बाउंस बैक कर गए हैं। तो सच्चाई है कि जब सरकार गिरा की सरकार बनाई गई है, जनता ने देखा है, पेपर लीक का मामला देख लीजिए, दलितों का उत्पीड़न देख लीजिए, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जनता के सामने है। अगर आप आंगनबाड़ी बहनों को देखेंगे तो वो जगह जगह पर सड़कों पर आकर विरोध करती रही है और सरकार ने उनकी बात को सुना नहीं है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी तो ये समझा दे कि इनके तो सांसदों को उतारना पड़ रहा है, और अगर एक जवाब एक चुनाव हो जाता। मैं जवाब लेती हूँ प्रत्युष जी, जल्दी से बताइए ना, ये सांसदों मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार कर क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को डाउन करने का गेम खेला है पार्टी ने? मैडम, यही होता है जब आपके पास सिर्फ एक परिवार होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, माँ बच्चा और बेटी। हमारे पास इतने लीडर्स हैं और सब वर्कर हैं, यहाँ पे हर आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी का वो आम जनता का सेवक है। एमपी क्या, एमएलए क्या, जिसको जो काम मिलता है वो करता है वो। आप लोग पॉलिटिक्स को हमेशा परिवारवाद की तरह से देखने लगे हैं। इतने साल जो कांग्रेस ने राज किया है कि कभी माँ आएंगी, फिर बेटा आएंगे, फिर उनके दोस्त आएंगे, ऐसे भाजपा में नहीं होता है। यहाँ पे आपको बोला जाता है आप जाइए, आप जाके इलेक्शन लड़िए, आप जाके काम करिए, और हम उतर जाते हैं काम करने के लिए। हमारे पास इतना चीज दिखाने के लिए है, फ्रॉम टॉयलेट टू रोड टू बिजली टू पानी, हम तो रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं और बोलते हैं देखिए हमारे पास क्या है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है पॉइंट टेकन सर। सुजाता जी, 10 सेकंड में अगर जवाब देना चाह रही हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना है, जल्दी से 10 सेकंड। मोदी जी का जादू खत्म हो गया ना, क्योंकि ये आज कह रहे हैं कि हम कलेक्टिवली चुनाव लड़ते हैं, तो बोलिए आज कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा। नहीं, मध्य प्रदेश के तो मन में मोदी है, ये तो उन्होंने अपना नारा दिया है मध्य प्रदेश के लिए, आप इसको कैसे नकार सकती हैं? ये आप रीड कर सकती हैं क्योंकि आप ऑपोजिशन पार्टी के हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी से विजय त्रिवेदी जी आना चाह रहे हैं, एक लाइन जोड़ने, उसके बाद मैं देख पा रही हूँ दिबांग जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय सर जल्दी आइए। मैं जोड़ना चाहता हूँ कि प्रत्युष जी ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर शिवराज जी का जो फैसला हुआ वो उस पर हुआ है, तो ये क्या सवाल हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब शिवराज जी के काम को के आधार पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो फिर जनता क्यों स्वीकार करे उस रिपोर्ट कार्ड को? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर जो आप लेकर आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।